तो सबसे पहले हमने देखिए क्या किया, एक छोटा सा इसके अंदर कार्ड डिजाइन किया हमने। तो मैंने सिंपल इंसर्ट में किया और टेबल पे क्लिक किया, सिंपल सा कार्ड तो मैं ऐसे ही डिजाइन कर लेता हूँ। यहाँ से क्लिक किया और सिलेक्ट करके हमने ये लेआउट लेआउट में जाके इसको मर्ज कर लिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया ठीक है, ये हमने टाइटल लिख दिया इसका, सिलेक्ट कर दिया यहाँ से और उसको सेंटर कर दिया। ठीक है, सिलेक्ट कर दिया यहाँ से, इसको होम में जाके फॉन्ट साइज को ऐसे बढ़ा दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, सिलेक्ट किया इनको और यहाँ पे हमने लिया फुल नेम और कोर्स नेम रोल नंबर, ठीक है, तीन चीज़ें ले ली और इसको हमने यहाँ से इस तरह से ऐसे कर दिया। यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया नाम कोई, जैसे सेलेक्ट और फिर यहाँ से क्लिक किया लेआउट, राइट अलाइन करेंगे, सेंटर में करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, सेंटर करेंगे, होम में जाएंगे, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, सेंटर करेंगे, ये इस तरह से आ जाएगा, बल्कि 14 नहीं 12 पे ही रखेंगे बस। ठीक है, ये भी 12 पर ही है ना, थोड़ा छोटा है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया ना बस, और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। ये हमने एक कार्ड बनाया, सेव किया, मोर ऑप्शंस में गए, यहाँ से मैंने सेव पे क्लिक किया, ब्राउज किया और डॉक्यूमेंट्स में गए, यहाँ से क्लिक करके, यहाँ से क्लिक किया, वर्ड फाइल्स के अंदर चले गए और वर्ड फाइल्स में जाने के सक्सेस के फोल्डर में चले गए। यहाँ पर हमारे पास क्लास 16 के नाम से सेव कर लेते हैं मेलिंग्स, और उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट बना है, नथिंग मोर। आप जाके फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं, मैंने जहाँ इसको सेव किया है, टिक करेंगे, वर्ड फाइल्स में चले जाते हैं, सक्सेस के फोल्डर में चले जाते हैं, यहाँ पे ये सेव हो गया है 16 मेलिंग्स। ओके, अब ये कार्ड अगर मुझे 10 20 25 50 स्टूडेंट के नाम पर इशू करना है तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन है। एक तो इसी फाइल की सेवेज करता जाऊं, उतनी कॉपीज बना दूं। दूसरा ऑप्शन ये कि इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूं, फिर नाम चेंज करूं, फिर कॉपी करूं, पेस्ट करूं नाम। तो इसमें भी दो ऑप्शन तो ये है मेरे पास। एक तीसरा ऑप्शन है, हम क्या करें कि इसका डिज़ाइन यही रहने दें, क्योंकि सबका डिज़ाइन एक जैसा रहेगा, सिर्फ डेटा चेंज कर दें, तो डेटा अलग सेव कर देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट और यहाँ से कहेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट में हमें फील्ड्स के नाम यहाँ दिखा रहा है, इन फील्ड्स को मॉडिफाई कर लेंगे कस्टमाइज कॉलम करके, और यहाँ पे जाके हमने ये सारी फील्ड्स को पहले डिलीट कर देना है। अगर हमारे काम की कुछ है, जैसे फुल नेम है, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमारे काम की, बाकी काम की नहीं है, तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट उसके बाद ऐड कराएंगे इसके अंदर कोर्स नेम के नाम से, उसके बाद ऐड कराएंगे रोल नंबर के नाम से। ओके कर देंगे, ये फील्ड रह गई, बाकी सारी फील्ड डिलीट हो गई। इस पर डेटा डाल दें, जैसे कुमारी कर देते हैं और ओके कर देते हैं इसको। अभी हमसे पूछेगा ये लिस्ट कहाँ सेव करनी है, तो हमें इसको भी बताना है कि ये लिस्ट हमें कहाँ सेव करनी है। उसी फोल्डर में सेव करनी है जहाँ पे वो हमने वर्ड की फाइल सेव की थी, तो मैं उधर चला जाता हूँ, आ गया उसी फोल्डर में। मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, और उसको सेव कर दिया, हो गया सेव। अब देखिए फोल्डर में जाके देखिए, तो वहाँ पे एक वर्ड की फाइल सेव है आपकी और एक डेटाबेस की फाइल सेव है। अब जो हमने वहाँ पे फील्ड बनाई है उनको इसकी जगह पे रखना है। कैसे रखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, मेलिंग्स में जाएंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे, टाइटल की फील्ड लेंगे, स्पेस फर्स्ट नेम, स्पेस लास्ट नेम, और सेलेक्ट करेंगे इसको और यहाँ पे लेंगे कोर्स, सेलेक्ट करेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा रोल नंबर, सेव। ये हमारा कॉन्स्टेंट डेटा है जो हमने टाइप किया था, ये वो मर्ज फील्ड्स हैं जिनके अंदर डेटा हमने टाइप किया था। अब वो डेटा जाहिर कैसे होगा, ये देखें मेलिंग्स में आपको एक ऑप्शन नजर आएगा प्रीव्यू रिजल्ट्स, क्लिक करें, यहाँ से नेक्स्ट करें,
बैक, ओके, प्रीव्यू ऑफ करें, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, नया नया डेटा डालना है, ऑफ करके यहाँ क्लिक करेंगे एडिट रेसिपिएंट पे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, क्लिक करेंगे एडिट पर, क्लिक करेंगे न्यू एंट्री, सपोज ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया इस पे, और ओके यस ओके, फिर से प्रीव्यू करेंगे, मैक्स करेंगे, सही है, समझ में आ रही है बात, ऐसे डेटा डालते जाएंगे और एक ही भी ये सारे का सारा डेटा आ जाएगा। अच्छा अब इसको बंद करेंगे, क्लोज कर दें फाइल को, जब भी आप ओपन करेंगे तो ये वाली फाइल खोलेंगे, और सॉरी ये वाली ये नहीं खोलनी है आपने, जैसे इस फाइल को खोलेंगे वर्ड की फाइल को, तो ये बोलेगा मैं क्या मैं कनेक्ट हो जाऊँ डेटाबेस वाली फाइल से, मतलब इस वाली फाइल से कनेक्ट हो जाऊँ जो ये वाली रखी हुई है इसके अंदर, ये वाली, तो आप सो कहेंगे हाँ कनेक्ट हो जाओ, फिर देखने के लिए डेटा प्रीव्यू करेंगे। ओके अब ये तो कहेंगे सर आप ठीक है ये मसला तो हल हो गया, लेकिन ये तो सारे एक ही फाइल के अंदर है, सबके अलग अलग कार्ड बन जाए ना तो आसान हो जाएगा, तो उसके लिए जब भी आपको अलग अलग कार्ड प्रोड्यूस करने हैं उसका तरीका ये, यहाँ जाएंगे फिनिश एंड मर्ज में, यहाँ एक ऑप्शन आएगा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सही है, देख ले, उसके बाद क्लिक करना है इस पर, और यहाँ से क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, और यहाँ से क्लिक करके ओके करना है, जैसे ही आप इसको ओके करेंगे एक अलग से फाइल क्रिएट होगी, अब जो फाइल क्रिएट हुई है अलग से उसका कनेक्शन इसके साथ नहीं है, इससे ये फाइल क्रिएट हो गई, मैं जितनी बार चाहूँ ये फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जब क्रिएट हो जाएगी तो इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारी मेन फाइल है, हमेशा आपके पास सेव रहेगी, ये जो फाइल हुई है इसके अंदर हर किसी का अलग अलग हर पेज पर जिसको मैं सेव करके बाद में किसी को भी सेंड कर सकता हूं, तो ये वर्ड की फाइल बन गई, और अगर आप इससे मुझे पीडीएफ फाइल बनानी है, फाइल में जाऊंगा एक्सपोर्ट क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पीडीएफ, उसी फोल्डर में मैं बना रहा हूं पीडीएफ फाइल, ये पीडीएफ फाइल बन गई, क्लोज कर दें, ये मेरी मेन फाइल है, इसको भी क्लोज कर रहा हूँ सेव करके, और यहाँ पे देखिए ये हमारी मेन फाइल है जो कनेक्टेड है इसके साथ, जिसमें जब भी हमें चेंजेस करनी होंगी, स्टूडेंट्स के नाम ऐड करने होंगे, डिलीट करने होंगे, यहाँ करेंगे, और ये अभी हमने फाइल की सॉरी ये ओरिजिनल फाइल है, और ये अभी हमने क्रिएट की थी, और ये पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ मतलब नॉन एडिटेबल फाइल है, जिसको हम किसी को भी सेंड कर सकते हैं, वो सिर्फ इसको रीड कर सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, यहाँ से अब मैं देखें आपको ये सेंड कर देता हूँ पीडीएफ फाइल, सॉरी ओके कनेक्ट हो जाएगी,